बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी आईएनएन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने मैं सच्चाई के रास्ते दिखाए। नाज़रीन कराम, आज बहुत से मौजूदात और बड़ी अहम ख़बरें भी हैं कि परवेज़ मुशर्रफ जो हमारे पाकिस्तान के ज़बरदस्ती के सदर थे, वो किसी वक्त भी पाकिस्तान आ सकते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बीमार हैं, ताहम ज़िंदगी और मौत की इस कश्मकश में उनके घर वालों ने पाकिस्तान आने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया, हामी भर दी, और बहुत से लोग चाहते हैं कि वो यहाँ आए। दूसरी बात, एक अच्छी बात है और वो खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने वाला है। आज कल में इसका बाकायदा ऐलान हो जाएगा यकीनन। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन एक और अफसोसनाक खबर भी है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र की कुशाई, यानी कब्र कुशाई का भी हुक्म दे दिया गया है कराची की मुकामी अदालत ने। अब कब्र कुचाई होगी। ये कोई एक अच्छा मरहला नहीं होता ख़ानदान वालों के लिए। एक तो उनके असानिया हुआ, ख़ास तौर पर जिस अंदाज में वो इस दुनिया से रुखसत हुए, तो वो भी कोई काबिल ज़िक्र नहीं, यानी अफसोसनाक है अंदाज है। एक नामवर आदमी, एक स्कॉलर, एक पढ़ा लिखा दानिश्वर, जिस तरह उसकी मौत हुई, उसने सबको गमजदा कर दिया। अब उससे बड़ा गम ये ख़ानदान वालों के लिए कि अब कब्र कुशाई होगी, यानी पोस्टमार्टम का हुक्म दिया है मुकामी अदालत ने। इसके अलावा भी अगर बात करें तो एक और भी बात है कि फराह गोगी का बड़ा तस्करा है, उनके मियाँ का बड़ा तस्करा है, जमील गुजर का। तो अब जनाब बारी आ रही है लोगों की कि इन पर भी मुकदमात चलेंगे, और उनकी 11 कंपनियाँ सामने आ गई, और इनकी पहली कंपनी जो बनी, यानी ये कंपनी का आगाज़ जो हुआ, कंपनी खेलने का, वो 2016 में हुआ, लेकिन तरक्की इन्होंने 2018 से लेकर 2021 तक की। इस पर भी बात करेंगे। और अगर आप देखें तो एक और सानिया हुआ लाहौर में कि नामवर मुल्क के मुमताज़ सेठ आबिद, उनकी बेटी का आज लाहौर में कत्ल हो गया, लेकिन जो मुलजिम पकड़ा गया उसका दावा ये है कि नहीं, उसे खुदकशी की है। इन सारे मौजूदात पर गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक आगाही पहुँचाई जाए। लेकिन पहली आपसे गुजारिश ये है कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। जी, पहली बात यह कि मुशर्रफ आ रहे हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं, और उनको नवाज शरीफ साहब ने माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा मेरा ज़ाती गरज नहीं है, वो अगर आना चाहते हैं तो आएँ। इस वक्त वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में, अल्लाह उनको सेहत दे और वो अपनी सरजमीन पर आ जाएं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो पाकिस्तान के मुजरिम हैं, अदालतों ने उनके खिलाफ फैसला दिया है आइन शिकनी का, और उन्होंने एक बार नहीं, दो दफ़ा आइन शिकनी की, एक दफ़ा इमरजेंसी लगा के और एक दफ़ा हुकूमत का तख्ता उलट के। क्या था क्या नहीं था, लेकिन बात वही है कि हमारे यहाँ बहुत से सानियात होते हैं और मुलजमान को सज़ा नहीं मिलती। मुशर्रफ ने भी यही कहा था कि उनका तैयारा फिजा में रोका गया और हुकूमत ने रोका, लिहाजा उन्होंने तख्ता उलट दिया और फिर उसकी सज़ा नहीं हुई, वटक जेल से सीधे। यानी मुशर्रफ ने भी उन्हें माफ़ कर दिया उसी तरह। यानी ये कुछ दो कुछ लो वाली बात है कि उस वक्त मुशर्रफ ने माफ़ किया था और वटक जेल से सऊदी अरब पहुँच गए थे, आज ये माफ़ कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन जिस सूरत हाल में वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उसमें ज़रूरी है कि एयर एम्बुलेंस तो तैयार है आने के लिए पाकिस्तान, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से मंजूरी भी ज़रूरी है। अब देखना ये है कि जब वो यहाँ आ जाएंगे, चाहे उनकी हालत कुछ भी हो, जब इस सरजमीन पे कदम वो रखेंगे, यानी वो तशरीफ़ ले आएंगे किसी भी हालत में, तो फिर उनके मुकदमात किस अंदाज में जेर बहस आएंगे। ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि आया उनको माफ़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ जो फैसला आया तो उसका क्या है। आर्मी के तर्जमान ने भी कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं, बल्कि हम भी चाहते हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो आए। अब उनके ख़ानदान ने भी हामी भर ली है, लिहाजा जो ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान लाए जा सकते हैं, ताहम डॉक्टरों की इजाज़तनामा अभी उनको मिलना बाकी है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर किसकी वजह से, किसने मेहनत की, किसने कोशिश की, यकीनन ये एक दिन का काम नहीं है। ना एक दिन के काम से ये ग्रे लिस्ट में गया था,
वो भी एक साजिश थी, भारत ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया था, बल्कि हमारे दुश्मनों ने सब ने किरदार अदा किया था। फिर पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में गया था, पाबंदियाँ लगी उस पर, सब कुछ हुआ और हमने बर्दाश्त किया। अब इसी तरह ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें साबका हुकूमत का भी कारनामा यकीनन होगा, इमरान खान साहब ने भी बहुत कुछ किया होगा या उनकी हुकूमत ने कुछ ना कुछ किया होगा जिसका रिजल्ट अब आ रहा है। लेकिन रिजल्ट निकालने के लिए जो कोशिशें की हैं हिना रबारी खर ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो अपनी जगह हैं। जभी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उनकी खिदमात को सराहा है। चलें, एक अच्छी खबर है, कहीं से भी मिले अच्छी खबर मिलनी चाहिए, और इस वक्त तो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उनमें अच्छी अच्छी खबरें आनी चाहिए। आमिर लियाकत हुसैन, आमिर लियाकत हुसैन बहुत नाम कमाया, बहुत नाम कमाया, बहुत शोहरत हासिल की, बहुत से उनके परिस्तार थे और मजहबी स्कॉलर की हैसियत से उन्हें पहले ही प्रोग्राम में ऐसी गिरफ्त की जो किसी आलम दीन को भी नहीं मिली। लेकिन ज़िंदगी का इख्तिताम सिर्फ 51 सालों में बहुत दर्दनाक अंदाज में हुआ। अभी तक वो मुम्मा है कि क्या वो सचमुच वो जो धुआं भरा था उनके कमरे में उसकी वजह से उनका दम घुटने से उनकी इंतकाल हुआ, या कोई और साजिश थी, कोई और कारनामा था, किसी और ने उनको जहर दिया या उनको मार दिया या उन पर कोई तशद्दुद किया, उनके कमरे से आखिरी वक्त में चीखों की आवाज़ें क्यों आ रही थी, ये सब कुछ मालूम करने के लिए अब पोस्टमार्टम किया जाएगा। देखिए कैसी अजीब सी बात है हमारे मुल्क में कि एक शहरी उठ के दरख्वास्त देता है और उस पर अमल दरामद करने के लिए अदालत फैसला दे देती है, जबकि अहल खाना ने इनकार कर दिया था पोस्टमार्टम का, जो असल वारिस है उन्होंने माफ़ कर दिया था और कहा था नहीं हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। लेकिन अब उनकी मर्ज़ी के बग़ैर अदालत के फैसले पर, अदालत के हुक्म पर, हालांकि वहाँ के जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने उस वक्त भी इजाज़त दी थी कि बग़ैर पोस्टमार्टम के इनको सुपुर्द खाक कर दिया जाए, लेकिन अब नहीं, अब तो खबर कुशाई होगी और पोस्टमार्टम भी होगा, शायद हकीकी सूरत हाल सामने आ जाए। लेकिन अहल खाना के लिए बड़ा, बच्चों के लिए, बेगमात के लिए ये बड़ा मुश्किल मरहला है। वो सानिया बीत गया, अभी वो गम कम नहीं हुआ था तो एक नया गम शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी सुपुर्द खाक किए जाने के बाद दोबारा निकाला जाना, फिर उसका पोस्टमार्टम होना, फिर उसे दोबारा सुपुर्द खाक किया जाना और फिर उससे नई से नई जो बातें निकलेंगी वो कितना तकलीफ देंगी, वो दुख के बायस बनती हैं दुख का। लिहाजा अल्लाह रहम करे और हालात जैसे भी हैं जो भी हैं उन्हें बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, अल्लाह इन लोगों को सब्र दे। अगली बात जो है वो मैं ये करूँगा कि जो बातें हम कर रहे थे जिस अंदाज़ में, उस अंदाज़ में एक सानिया जैसे आज लाहौर में हुआ, एक सानिया और हो गया, सेठ आबिद, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, बहुत जायदादें, इतनी जायदादें कि उन्हें खुद शायद पता ना हो कि उनकी जायदादें कितनी, लेकिन क्या हुआ, कितना मजलूम हुआ वो कि जायदाद, दौलत और अरबपति होते हुए भी पहले तो सिक्योरिटी गार्ड के हाथों उनका बेटा मारा गया और बाकी जो बच्चे हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो ज़हनी माजूर हैं। एक बेटी आज कत्ल हो गई, कहने वाले कहने कत्ल हो गई, अभी असल सूरत हाल सामने नहीं आई, मुलजिम पकड़ा गया लेकिन मुलजिम कहता है कि उसने खुदकशी किया। और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि चूंकि अब जायदाद बेताशा है तो उस जायदाद के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। एक जानिब उनके जो सेठ आबिद के मैनेजर साहब थे इस वक्त वो काबिज़ हैं सब चीज़ों पर, उनका हुक्म चल रहा है, दूसरी जानिब उनके दामाद जो हैं उनकी हुक्मरानी भी है, ये कश्मकश भी है, उसमें बेटी मारी गई, अब ये खून नाहक किसके गले पड़ेगा, देखें आने वाला वक्त बताएगा, एक आध दिन में ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन ये वाकया ऐसा है कि जिस पर अफसोस ही किया जा सकता है। बहरहाल अच्छी खबर यही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा, हमारी मुश्किलात में कुछ कमी होगी, हम दुनिया में सर उठा के चल सकेंगे, हमारे दुश्मनों का मुँह काला होगा इस बात से कि ये फैसला जो आ रहा है इससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को इज़्ज़त और मिलेगी और हमें इसकी हिफाजत करनी होगी ताकि आइंदा भी हम पर जो हम मतलब हम ज़ेर निगरानी रहेंगे अभी भी आलमी अदारों के कि कहीं दोबारा किसी बात पे जैसे 36 पॉइंट उन्हें दिए थे, नुकात दिए थे कि ये करके दिखाएं तब हम आपको निकालेंगे, तो अगर उसमें से एक दो पॉइंट भी गड़बड़ हो गए
तो फिर मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि दुश्मन जो है हमारा वो मकार भी है, चालाक भी है। तो देखना यही है कि सारे मामला किस तरह होंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी बढ़ रही है, हुकूमत को अपने तरीक़ेकार में तब्दीलियाँ करनी होंगी और पार्लियामेंट के ज़रिए करनी होंगी। पार्लियामेंट को आगे लेके चलना होगा, पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा, मुस्तहकम करना होगा, फिर कोई बात बनेगी, वरना नहीं। ये सारी चीज़ें, ये सारी खबरें आपको आगाही दी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मौजू के साथ। आपसे गुजारिश यही है कि घंटी का बटन दबाना ना भूलें, अपनी राय का इजहार करें, INN को सब्सक्राइब करें। खुदा आपको सलामत रखे, पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली बख्शे। अल्लाह निगबान।